यहां पर हम देख रहे हैं, तो यहां पर प्रोजेक्ट चंबल, चंबल प्रोजेक्ट 1953, और यहां पर एग्रीकल्चर जो हमारी प्रायोरिटी थी आजादी के बाद, इरिगेशन हमारी प्रायोरिटी थी एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए, तो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट 1956, एंड इरिगेशन जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती थी। और यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं कुछ, फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में आई है, ये नेहरू जी का, ये रिकग्नाइज उन्होंने किया था कि ट्राइबल फॉरेस्ट पॉलिसी में कि ट्राइब्स को अपना खुद की लाइफ को उनको जीने देना चाहिए, जो नॉर्मल डेवलपमेंट प्रोसेस है उनके अंडर उनको इंपोज नहीं करना चाहिए, नॉर्मल डेवलपमेंट प्रोसेस को इंपोज नहीं करना चाहिए, ट्राइब्स को ऐसे रहने देना चाहिए। और ये बहुत ही उनका रिकग्निशन उनके एक्यूमन को दिखाता है कि कितनी वाइड सोच रखते थे। और फॉरेस्ट नेशनलाइजेशन फर्स्ट टाइम एमपी हुआ 1964 में, फॉरेस्ट नेशनलाइजेशन 1964 में फर्स्ट बाय एमपी, एमपी पहला स्टेट था इसको करने वाला। और यहां पर देखें तो स्टेट रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी हमारा इंपॉर्टेंट एम था आजादी के बाद, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को हमने घर घर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने की कोशिश करी, तो 1960 इलेक्ट्रिसिटी होगी तो हम नेक्स्ट फेज में जा सकेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी होगी तब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन ये प्रोड्यूस करेंगे थर्मल पावर प्लांट से, और थर्मल पावर प्लांट बनाएंगे तो इसी समय में थर्मल पावर प्लांट्स भी बनाए गए एमपी में। तो स्टेट रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन 1960 भोपाल का हेडक्वार्टर। एमपी माइनिंग कॉरपोरेशन, अगर आपको इंडस्ट्रीज डेवलप करनी है तो इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, प्लस आपको माइनिंग पॉलिसी भी होनी चाहिए, माइनिंग पॉलिसी बनाने के लिए थिंक टैंक भी होना चाहिए, तो माइनिंग एनर्जी प्लस अगर इसको बोलें इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्लस रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्रीज में होता है, अगर बड़ी इंडस्ट्रीज आपको बनानी है स्ट्रेटेजिक तो आपको माइनिंग कॉरपोरेशन की जरूरत पड़ेगी। 1962 भोपाल हेडक्वार्टर इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी यहाँ पर। तो 1951 से 1981 तक ये कॉरपोरेशंस और हम इंडस्ट्रीज के डिफरेंट सेक्टर को डेवलप यहाँ पर करते रहे। यहाँ पर मेजर मेजर इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं और आज हम पॉलिसी और ये इम्प्लीमेंट करते हैं, यही इंस्टीट्यूट्स इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले 1951 में फिनेंस कॉरपोरेशन इंदौर बहुत इंपॉर्टेंट है, 51 में हुआ, इंडस्ट्रीज के लिए आपको लोन भी देना पड़ेगा कॉरपोरेशंस को, कॉरपोरेट्स को, कोऑपरेटिव्स को। 1960s में एमपी खादी इंडस्ट्री बोर्ड, खादी चरखा महात्मा गांधी से रिलेटेड था। 1962 में एमपी माइनिंग कॉरपोरेशन, 65 में एमपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, भोपाल हेडक्वार्टर है इसका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1969 में एमपी स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन भोपाल हेडक्वार्टर, एमपी एग्री इंडस्ट्री कॉरपोरेशन भोपाल हेडक्वार्टर एग्री इंडस्ट्री, एंड एमपी एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन भोपाल हेडक्वार्टर 1977-1981 में एमपी हस्तशिल्प विकास निगम हस्तशिल्प। सो 1969-77-1981 ये कुछ 20 इयर्स 30 इयर्स रहे। और इंडस्ट्री इंडस्ट्री डेवलपमेंट के बाद एक प्रॉब्लम आती है पॉल्यूशन की, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 5 जून एनवायरमेंट डे पे, सो वर्ल्ड में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वेस्टर्न कंट्रीज में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था उसकी वजह से पॉल्यूशन यहाँ पर होता है और हम इस प्रॉब्लम को ग्लोबली फेस करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण तो पॉल्यूशन जो है वर्ल्ड प्रॉब्लम बन जाता है यहाँ पर, ग्लोबल वार्मिंग वर्ल्ड प्रॉब्लम बनती है। डिजास्टर मैनेजमेंट 19 नवंबर 1987, तो ग्लोबल प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग होती है यहाँ पर। एंड हम ये देखते हैं कि डिजास्टर मोर डिजास्टर्स आएंगे, मोर एंड मोर डिजास्टर्स, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर डिजास्टर।